टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ओशंस। महासागरों के बारे में 10 सबसे आश्चर्यजनक तथ्य। दोस्तों, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका 71% भाग पानी से भरा है। अधिकतर हिस्सों में सिर्फ समुद्र का ही राज है। सागरों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर मौजूद हैं। मानव तकनीक की इतनी तरक्की के बाद भी हम समुद्रों का केवल 5% से भी कम भाग ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। और ऐसी कई रहस्यमय चीजें हैं जो खोजी जानी अभी बाकी हैं। लेकिन अब तक जो हम जान पाए हैं उसमें ऐसे कई रोचक तथ्य और रहस्यमय जानकारियां सामने आई हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉप 10 हिंदी पर और आज हम आपको बताएंगे महासागरों के 10 सबसे अद्भुत तथ्यों के बारे में। 10. महासागरों से घिरी है अधिकतर पृथ्वी। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा पानी से भरा है, पर क्या आपको पता है कि असल में कितना हिस्सा पानी से भरा है? इसका जवाब है 71% भाग। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारी पृथ्वी का 71% भाग समुद्रों से ही ढका हुआ है और बाकी बचे 29% भाग वहीं जमीन मौजूद है। शायद इसलिए समुद्र करोड़ों जीव जंतुओं का घर है। और क्या आपको पता है हमने समुद्र को कितना एक्सप्लोर किया है अभी तक? मानव तकनीक की इतनी तरक्की के बाद भी हमने सिर्फ महासागरों का या फिर समुद्रों का केवल 5% से भी कम भाग ही खोज पाए हैं। समुद्र की गहराइयों में कई रहस्यमय चीजें आज भी छिपी हैं, जिन्हें खोजा जाना अभी बाकी है। 9. पृथ्वी के संपूर्ण जमीनी भाग से बड़ा है प्रशांत महासागर। क्या आपको पता है पृथ्वी का सबसे विशाल महासागर कौन सा है? अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा विशाल महासागर है। इस महासागर का क्षेत्रफल आपकी सोच से कहीं अधिक है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 16 करोड़ 50 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर अब तक आप इसके आकार को नहीं समझ पाए हैं तो आप इसके विशाल आकार का इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल पृथ्वी के संपूर्ण भूभाग के क्षेत्रफल से भी अधिक है। उम्मीद है अब आप इसके विशाल आकार को जरूर समझ गए होंगे। 8. दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी। आपने कई बार समाचार पत्रों में और खबरों में दुनिया में आई सुनामियों के बारे में पढ़ा या देखा जरूर होगा। सुनामी एक बेहद खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी समुद्र की उन ऊंची उठती लहरों को कहते हैं जो समुद्र में आकस्मिक भूकंपों के कारण उत्पन्न होती हैं। इसके आने पर जनजाति को भयंकर नुकसान होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं और लाखों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। आपने कई भयंकर सुनामियों के बारे में तो सुना होगा, पर क्या आप दुनिया के सबसे विशाल सुनामी के बारे में जानते हैं? ये सुनामी 1737 में साइबेरिया के कमचाटा में आई थी। इसमें लहरों की ऊंचाई 210 फीट और 64 मीटर ऊंची थी, जो आज तक की सबसे ऊंची लहरें थी। 7. समुद्रों से आती है दुनिया की आधी ऑक्सीजन। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया में एक भी पेड़ नहीं बचेगा तो हमारे सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगा। क्या आपको भी यही लगता है कि दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन मौजूद है सब पेड़ों से ही मिलती है? तो आप गलत हैं, क्योंकि पेड़ पौधे सिर्फ पृथ्वी की केवल 28% ऑक्सीजन का ही उत्पादन करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारी पृथ्वी के संपूर्ण ऑक्सीजन में से 70% हमें समुद्री पेड़ पौधों से मिलता है और बाकी अन्य साधनों से। इनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। और ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि समुद्री वनस्पतियों का कुल वजन हमारी पृथ्वी पर मौजूद कुल मानव आबादी से भी ज्यादा है। 6. दुनिया के सबसे अधिक कलाकृतियां सागरों में मौजूद हैं। ये तथ्य आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप दुनिया की सुंदर और मशहूर कलाकृतियों के बारे में सोचेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये कलाकृतियां तो सिर्फ आपको म्यूजियम्स में देखने को मिलेंगी या फिर किसी विशेष स्थान पर। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जितनी कलाकृतियां पृथ्वी पर मौजूद नहीं है उससे कहीं अधिक सागरों की गहराई में मौजूद है, तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल ये जहाजों के समुद्रों में डूबने से हुआ है। फ्लोरिडा कीज में ही 1000 से भी ज्यादा जहाजों के अवशेष मौजूद हैं। पहले जहाजों से ही कीमती सामानों को ले जाया जाता था, जिसमें से कई जहाज डूब गए और कई बेहद मशहूर और बहुमूल्य कलाकृतियां समुद्र में समा गई। 5. समुद्रों में मौजूद है अरबों का सोना। ये तथ्य सच में आपको अमीर बना देने वाला है। कीमती चीज सुनते ही आप में से ज्यादातर लोगों के मन में सोना ही आता है। सोने को सोने की खदानों से निकाला जाता है और फिर उसका प्रयोग किया जाता है। पर क्या आप विश्वास करेंगे कि समुद्रों में इतना सोना मौजूद है कि अगर आप पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान में सोने को बांटेंगे तो सभी को 4 किलोग्राम सोना प्राप्त होगा? मतलब हर एक व्यक्ति को 1,40,00,000 रुपए प्राप्त होंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपना प्यार हम तक जरूर पहुंचाएं। 4. समुद्र में मौजूद है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। क्या आपको पता है कि पहाड़ केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्रों की गहराइयों में भी मौजूद हैं? आपने पृथ्वी की सतह पर मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं को देखा या उनके बारे में सुना तो जरूर होगा।
लेकिन क्या आप ऐसी पर्वत श्रृंखला के बारे में सोच सकते हैं जो पूरी तरह पानी के अंदर हो? अगर यह आपको नामुमकिन लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि मिड ओशन रिज ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो लगभग पूरी समुद्र के नीचे मौजूद है। अगर अब तक आपको ये तथ्य कुछ खास नहीं लगा तो ये जान लीजिए कि इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई 65,000 किलोमीटर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पृथ्वी के अनोखे तथ्यों की वीडियो भी मौजूद है, अगर आप वे वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 3. माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। क्या आपको भी यही लगता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है? तो एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि अब जो आप जानेंगे वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि सबसे ऊंचा पर्वत आखिर है कौन सा। दरअसल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जब समुद्री स्तर से मापी जाए तो ये लगभग 8,847 मीटर होती है, लेकिन अगर समुद्री सतह से मापी जाए तो हवाई के माउंट किया की ऊंचाई 10,000 मीटर होती है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। अब आप ही तय कर लीजिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होना चाहिए। 2. कोरल से बदली जाती हैं हड्डियां। समुद्र की गहराइयों में एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है और उस दृश्य को सुंदर बनाती है मूंगा चट्टाने और जलीय जीव जंतु। मूंगा चट्टाने बेहद सुंदर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा लाभकारी भी होती हैं। पर क्या आपको पता है कि जो मूंगा चट्टाने होती है उनका रासायनिक मिश्रण हड्डियों से काफी हद तक मेल खाता है, और शायद इसलिए इंसानों में हड्डियों के नष्ट होने पर उनकी जगह इन मूंगा पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे समुद्र हमारे लिए कितना लाभकारी है। 1. दुनिया के तटीय सहारों का अंत। ये तथ्य सबसे अद्भुत होने के साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण भी है। आप तो जानते ही होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फीली चट्टाने पिघल रही हैं। अगर दुनिया भर के तापमान में सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई तो दुनिया के सभी तटीय शहर पानी में डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितनी खतरनाक है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। आज हमें विकास की होड़ छोड़कर अपनी पृथ्वी को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान नहीं होगा। तो ये वो महासागरों के बारे में 10 सबसे अनोखे तथ्य थे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये जानकारी अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन रोचक तथ्यों को जान पाएं। अगर आप ऐसे ही और रोचक और मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा और आप देख सकेंगे हमारी वीडियोस सबसे पहले। धन्यवाद।